Hello students, welcome to SN Education class. In this video, we will see long question answer of lesson number 6. Let's start. So, section number B's first question is, write the chemical combination of the human body. आपको मानव शरीर के रासायनिक संयोजन के बारे में लिखना है. In what ways is the human body similar to the earth? और ये बताना है कि किस प्रकार मानव शरीर पृथ्वी के समान है. आंसर है, human body is a combination of several chemical elements. मानव शरीर कई प्रकार के रासायनिक तत्वों से बना है. What is the most prominent of all them? इन सब में जो सबसे प्रमुख है वो पानी है. Human body contains 23% carbon, 2.6% nitrogen, 1.4% calcium, 1.1% phosphorus, with teeny amounts of roughly 36 other elements added to this. We have 61% of oxygen and 10% of hydrogen fused together in the unique molecular combination known as water. इसमें ये दिया गया है कि मानव शरीर में 23% कार्बन होता है, 2.6% नाइट्रोजन होता है, 1.4% कैल्शियम होता है, 1.1% फास्फोरस होता है और जो थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग 3 दर्जन तत्व शामिल होते हैं, इनमें 61% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन फ्यूजेड लॉगहेड होता है. पानी के रूप में जाना जाने वाला अद्वितीय आणविक संयोजन. अ ह्यूमन बॉडी कंटेन 71% ऑफ द वाटर. यहाँ पे ह्यूमन बॉडी डबल आ गया, यहाँ पे आएगा एक मानव शरीर में 71% वाटर होता है, यानी जल होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट द क्लाइमेट पैटर्न. ग्लोबल वार्मिंग जलवायु पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है. आंसर इज, ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द अर्थ इन अ वेरी एडवर्स मैनर. ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को बहुत प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करता है. द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट अर्थ डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग अ कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ रिलेटेड सिस्टम. पृथ्वी ग्रह का स्वास्थ्य अंतर प्रणाली के जटिल संतुलन को बनाए रखने पर निर्भर करता है. ग्लोबल वार्मिंग इज चेंजिंग द वे वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओशियन टू द लैंड. ग्लोबल वार्मिंग पानी को महासागरों से भूमि में स्थानांतरित करने के तरीके को बदल रहा है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का स्तर महासागरों में बढ़ रहा है और वो महासागर का पानी भूमि पर आ रहा है. द इंक्रीज वार्मथ ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर विच हिट्स अप द पोलर रीजन्स फास्टर दैन द ट्रॉपिक्स. बढ़ती हुई गर्मी वातावरण में जलवाष्प की मात्रा को बढ़ाती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है और इस प्रक्रिया को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग उष्णकटिबंधों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों को अधिक गर्म करती है. इट चेंजेस द वे द अर्थ अचीव्स अ बैलेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड. पृथ्वी के गर्म और ठंडे संतुलन को बनाए रखने में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बदलाव आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज राइजिंग सी लेवल थ्रेटन्स फ्रेश वाटर सप्लाई. समुद्र के बढ़ते जल स्तर से ताजे पानी की आपूर्ति कैसे होती है. आंसर इज, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज अ राइज इन सी लेवल इन सेवरल वेज. ग्लोबल वार्मिंग कारण है बढ़ते हुए समुद्र के जल स्तर का कई तरीके से. हायर एवरेज टेम्परेचर रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. बढ़ता हुआ तापमान ग्लेशियर्स के पिघलने का कारण है, यानी परिणाम है. इन आइस बींग डिस्चार्ज, जब बर्फ टूटती है इन टू द ओशियन फ्रॉम द आइस कैप्स ऑफ अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड एंड इन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सी एज इट्स वाटर वार्मथ. जब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आइस कैप से टूटकर या बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े वहाँ से टूटकर समुद्र में जाके मिलते हैं तो समुद्र के आयतन के थर्मल विस्तार से वहाँ का पानी गर्म होता है. द राइजिंग सी वुड पुश द वाटर टेबल अप. और समुद्र में बर्फ के टुकड़े आने से समुद्र का लेवल जो बढ़ता है उससे पानी पुश होकर सतह पर आता है. वार्मिंग ओशियन आर ऑल्सो लाइकली टू कॉज द एवरेज
हरिकेन टू बी मोर पावरफुल। गर्म महासागरों की वजह से समुद्र से उठने वाले तूफान और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट स्टॉर्म कमिंग इनटू द लैंड फ्रॉम द ओशियन वुड इन टर्न ग्रेटली एग्जर्सरबेट द डैमेज फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स। समुद्र से ज़मीन की ओर लगातार चलने वाले और शक्तिशाली तूफान समुद्र से ज़मीन पर आने वाले खतरे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इट वुड चेंज द एंटायर वाटर साइकिल, यह पूरे जल के चक्र को बदल देगा। एंड कॉज ग्रेट डैमेज टू आवर फ्रेश वाटर सिस्टम, और ये हमारे ताजे पानी के चक्र को भी डैमेज करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इकोसिस्टम। वर्णन करना है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई का ऑन द इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र पर, पारिस्थितिक तंत्र पर, इकोसिस्टम पर डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई के होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आंसर, वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट कॉन्सर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। वाइड स्प्रेड यानि बहुत सारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन यानि वनों की कटाई एक बहुत बड़ा कॉन्सर्न, एक बहुत बड़ी चिंता है मनुष्य जीवन के भविष्य पर, यानि आने वाले मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी चिंता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एक जंगल का विनाश हाइड्रोलॉजिकल चक्र को प्रभावित करता है। जब पेड़ काटे जाएंगे तो जंगल खत्म होते जाएंगे और ये हाइड्रोलॉजिकल चक्र को प्रभावित करेगा। मोर वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ द अर्थ स्पेशली द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जल के जंगलों में अधिक पानी जमा होता है, यानी जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता है वर्षा का। फॉरेस्ट देमसेल्व्स प्रोड्यूस रेन क्लाउड्स पार्टली बिकॉज ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण के कारण वन स्वयं आंशिक रूप से वर्षा के बादलों का निर्माण करते हैं। इमिजिएटली आफ्टर द रेन फॉल्स ऑन अ रेन फॉरेस्ट अ फाइन मिस्ट बिगिंस टू फ्लोट बैक इनटू द स्काई, के जंगलों पर बारिश के तुरंत बाद एक अच्छी सी धुंध छा जाती है और जो वाष्पीकृत होकर वापस आकाश में लौट जाती है। इट इंक्रीज बोथ, ये दोनों को बढ़ाता है, द ह्यूमिडिटी इन द एयर एंड द ऑड ऑफ मोर रेन, यानी हवा में नमी और वर्षा की मात्रा को बढ़ाता है। फॉरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट रेन बाय प्रोड्यूसिंग गैसेस कॉल्ड तारपिन, जो तारपिन नामक गैस होती है वो भी इन जंगलों में पाई जाती है जो वर्षा के बादलों को अट्रैक्ट करती है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड डाइमिथाइल सल्फाइड, और कुछ मात्रा में यौगिक जो डाइमिथाइल सल्फाइड होता है वो भी पाया जाता है यहाँ पे। दे फ्लोट इन टू द एटमोसफियर एज अ गैस, और वे गैस के रूप में वायुमंडल में तैरते हैं। The tiny grains around which droplets of rain water form, छोटे छोटे दाने जिनके चारों ओर वर्षा के पानी की बूंदें होती हैं। The deforestation would cause damage to ecosystem, deforestation यानी वनों की कटाई से पारिस्थितिक तंत्र को भी बहुत नुकसान होता है। As it would cease this contribution of the forest and thereby the rain and mist, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र जंगलों के उस योगदान को प्रभावित करेगा जिससे वर्षा और धुंध यानी वाष्प बनती हैं। जब वन ही नहीं होंगे तो वर्षा, धुंध, कोहरा कहाँ से होगा। Now we start question number 5. Describe the effect of population growth ऑन द ग्लोबल वाटर सिस्टम। ग्लोबल वाटर सिस्टम यानी वैश्विक जल प्रणाली पर बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभावों का वर्णन कीजिए। आंसर इज, पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच थ्रेटन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जबकि संसाधन बहुत सीमित मात्रा में हैं। नेचुरली द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज बिकमिंग ग्रेव ऑन द रिसोर्सेस, स्वाभाविक रूप से जनसंख्या का दबाव यानी बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर गंभीर होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, रिसोर्सेस आर एग्जॉस्टेड, संसाधन समाप्त हो चुके हैं।
because the speed of the ability of nature to refill or recharge its resources is much more slow than the speed of growth of human population. क्योंकि जो प्रकृति की योग्यता है संसाधनों को आपूर्ति करने की, रिफिल करने की, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. क्योंकि मानव जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी गति से हो रही है कि प्रकृति की जो रिफिल करने की, आपूर्ति करने की क्षमता है वो कम हो गई है. हैंस रिसोर्सेस आर सिंकिंग, इसीलिए संसाधन कम हो गए हैं. वी आर कटिंग फॉरेस्ट डिगिंग अर्थ, हम जंगलों को काट रहे हैं, पृथ्वी को डिग कर रहे हैं, पृथ्वी को खोदते जा रहे हैं. ऑल ऑन इन्विटेशन टू आवर ओन डूम, यानी हम सभी अपने स्वयं के विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं. सो हियर इज आवर लेसन नंबर 6, लॉन्ग क्वेश्चंस आर फिनिश. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू लेसन. सो हैव अ नाइस डे. गुड बाय.